फ्रेंड्स, मैं उसे शानदार, आप देख रहे हैं नोइस्टेक। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डीजो की वॉश टू स्पोर्ट्स। दो तीन दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छा बुरा बहुत सारा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसकी सबसे अच्छी खास बात बताओ आपको, ये है स्पोर्ट्स वाली वॉच और जिसके अंदर आपको 110 प्लस पोस्ट मोड देखने को मिल जाते हैं। तो आज पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाले अपन देखने वाले, ये वॉच 2000 रुपए में आपके लिए वर्थ है या नहीं है, आपने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो बने रहिए लास्ट तक। तो भाई, एक रिटेल यूनिट है, हमने 2000 रुपए की इसे परचेज की। आप देख सकते हो कि आपको इसकी बॉक्स क्वालिटी कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। ब्रांडिंग ये लोग काफी ज्यादा अच्छी करते हैं, रियलमी का मतलब पार्टनर ब्रांड है तो भाई देखने ही नहीं पड़ता, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ की हाईलाइट्स देखने को मिल जाते हैं, 5 ATM वगैरह भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ भी 10 दिन के लोग क्लेम कर रहे हैं। उसके अलावा बॉक्स को आप छोड़ देते हैं, फटाक से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से बॉक्स खुलता है आपका और यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच मिल जाती है, जो कि ऑलरेडी मैं 2-3 दिन से यूज कर रहा था लेकिन आपके लिए मैंने वापस डाल दिया था इसको। और इसी के नीचे आपको मैनुअल मिल जाती है। भाई सच्ची बताऊं ना तो मैनुअल मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब आप देख सकते हो काफी अच्छे से ये लोग ने इसको ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे मैनुअल है और यहाँ पे आपको ये वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है, तो मतलब कागज बचा है ये लोग ने। और उसके अलावा आपको एक पोको पिन का चार्जर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं होती है, आपको थोड़ा सा बस इसको लगा के चार्ज करना पड़ता है तो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे तो इसको मैं यूज ही कर रहा था और भाई कस्टम वॉच फेसेस का ऑप्शन मिल जाता है जिसको मैं आगे और देखने वाले। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। तो आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन है आपको बिल्कुल स्क्वायर डिजाइन में देखने को मिल जाती है। भाई देखने में काफी प्रीमियम लगती है। यहाँ पे एक बटन मिल जाती है और जो पूरा मटेरियल है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज किया गया है। 1.7 इंच का आपको डायलर देखने को मिल जाता है और 1.69 इंच का आपको टच स्क्रीन एरिया भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें बैक साइड की तो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट मटेरियल देखने को मिल जाता है, पोको पिन का पोर्ट मिल जाता है, सेंसर्स मिल जाते हैं और भाई जो इसके स्ट्रैप्स है भाई वो चेंजेबल है और स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और ब्रांडिंग में ये लोग ने भर भर के नहीं किया, सिर्फ एक जगह आपको डाइजो देखने को मिल जाता है, मतलब मेल हो फीमेल हो दोनों के हाथ पे काफी अच्छी लग जाती है। खूब ज्यादा बड़ी भी नहीं और ज्यादा बल्की भी नहीं है, मतलब ज्यादा कुछ फील नहीं होता है, तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में काफी पसंद आई मुझे। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 1.69 इंच का आपको टच एरिया मिल जाता है और भाई अगर मैं बात करूँ चिन की तो भाई नीचे वाली चिन देखो बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, काफी ज्यादा बड़ा बेजल है। बाजू में भी थोड़ी बहुत बेजल आपको देखने मिल जाती है। ये व्हाइट वाला मैंने वॉलपेपर लगाया तो ज्यादा उठ के दिख रही है, ब्लैक अगर आप वॉलपेपर रखो तो इतनी दिखती नहीं है। बात करें अगर हम रिजोल्यूशन की तो आपको 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा 5 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस के अंदर आपको देखने मिल जाती है। ब्राइटनेस ऐसा नीचे से नहीं, कहाँ गई ब्राइटनेस ओके, आपको यहाँ पे राइट स्वाइप करना पड़ता है, यहाँ पे ब्राइटनेस देख सकते हो। तो ये लोग ने 5 लेवल देखे रखे ब्राइटनेस के, जो कि काफी ज्यादा अच्छे वर्क करती है। अभी तक जितनी भी वॉच है उसके अंदर मैंने 20 सेकंड 25 सेकंड देखा, इसके अंदर आपको 30 सेकंड आपको मिल जाता है, मतलब आपकी स्क्रीन अगर ओपन होती है तो 30 सेकंड तक वो चालू रहेंगे। उसके अलावा बात करते हैं रेस्ट टू वेकअप की, तो उसका रेस्ट टू वेकअप भी काफी अच्छे से वर्क करता है, कभी ऐसा नहीं हो कि मतलब बंद नहीं हुआ या फिर कभी चालू नहीं हुआ, बहुत अच्छा मुझे लगा। और यहाँ से आप इसका रेस्ट टू वेकअप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इसका UI देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसे टैप करके रखो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वॉच फेसेस के, बहुत सारे तो नहीं मैं बोलूंगा, आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि पूरे ब्लैक है। ये व्हाइट वाला मैंने जानबूझ के डाला है ताकि आपको दिखे किसके बेजल्स कितने। उसके अलावा हम स्वाइप डाउन करते तो आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है। उसके अलावा हम स्वाइप लेफ्ट करें तो यहाँ पे आपको एक कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, यहाँ से आप D&D ऑन कर सकते हो, बैटरी सेवर ऑन कर सकते हो, आप यहाँ से ब्राइटनेस भी कम ज्यादा कर सकते हो और बहुत सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा सेटिंग वगैरह भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, टॉर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है, रेस टू वेकअप भी ऑन ऑफ हो जाता है। अगर हम बात करें स्वाइप अप की तो यहाँ से आपको पूरा मेनू मिल जाता है, मेनू की हम आगे बात अच्छे से और करने वाले। अगर हम स्वाइप लेफ्ट करें तो यहाँ पे आपको स्टेप्स देखने को मिल जाता है, स्लीप रिकॉर्ड मिल जाता है, ब्लड प्रेशर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वेदर मिल जाता है, इवन आप यहाँ से म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हो और उसके साथ साथ आप वॉल्यूम भी इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। और उसका जो UI है वो बिल्कुल स्मूथ है, ज्यादा कुछ में प्रॉब्लम होती नहीं है। बस एक चीज लोगों ने गड़बड़ की है, आपको मैं वापस से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब अगर आप ऐसे स्वाइप करते हो ना यहाँ पे एनिमेशन नहीं है, अगर स्वाइप अप करो एनिमेशन नहीं है, लेकिन अगर आप स्वाइप लेफ्ट करो तो एनिमेशन मिल जाता है, बड़ा ही स्मूथ लगा है, देख सकते। पता नहीं क्या सेटिंग कर रहे थे कि क्या करना चाह रहे थे, कई कई स्वाइप में एनिमेशन है कई कई नहीं है। भाई जितना ही स्मूथ इसका UI है ना उतना ही स्मूथ हमारा सब्सक्राइब बटन है, क्लिक करो कलर चेंज कर दो। तो भाई बात करेगा इसकी कनेक्टिविटी की, तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिल जाता है जो कि 10 से 12 मीटर की रेंज तक काफी अच्छे से वर्क करता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है इसको यूज करके, मतलब जब मैंने मेरे फोन से कनेक्ट किया भाई तुरंत कनेक्ट हो गई, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं हो गया, बहुत ज्यादा टाइम लगा या फिर डिस्कनेक्ट हो जा रही ऐसा कोई भी इशू नहीं मिला। तो इसका जो ब्लूटूथ है और जो कनेक्शन है काफी ज्यादा अच्छे से हो जाता है। और जो इसका जो ऐप है वो डायजो ऐप आपको देखने को मिल जाता है प्ले स्टोर के ऊपर, उसे काफी अच्छे से बहुत इजिली कनेक्ट भी हो जाती है। तो भाई अगर कनेक्टिविटी हमने ऐप की बात कर ली तो चलो ऐप भी हम देख ही लेते, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ऐप देखने को मिल जाता है। सामने आपको सारी डिटेल मिल जाती है, आपका नेम वगैरह आ जाता है और इसमें क्या वेदर वगैरह सर दिख जाता है, आपके स्टेप कैलोरीज काउंट, और यहाँ से आप डायलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, आपका स्लीप ड्यूरेशन, आपका हार्ट रेट, आईएसपीटो, ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप बाजू में जाओ तो यहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाते हैं जो भी स्पोर्ट्स वगैरह आपने प्ले किए हो। उसके अलावा आप साइड में जाओगे तो यहाँ पे आपको मीक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप वॉच भी आप देख सकते हो कनेक्टेड है नहीं है।
यहाँ से आपको स्विच सेंटर मिल जाता है, जहाँ से आप इसके अंदर बहुत सारे मतलब 150 प्लस येलो का क्लेम है कि आपको वॉच फेज मिल जाते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और माई डायल में क्या है जो यहाँ पे कनेक्टेड होता है वो आपको माई डायल यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम ऐप की बात करें तो ऐप बहुत ज्यादा ईजी है, काफी ज्यादा अच्छे से आप इससे कनेक्ट वगैरह भी कर सकते हो, कोई मुझे ऐसा इशू नहीं हुआ ऐप के अंदर। तो बात करें सेंसर्स की, तो इसके अंदर आपको तीन सेंसर मिल जाते हैं, एक्सेलरेशन सेंसर, दूसरा HRM सेंसर और तीसरा SpO2 सेंसर। तीनों ही सेंसर काफी अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करें हमारे हार्ट रेट को तो आप देख सकते हैं कि ये हवा की हार्ट रेट नहीं बताता है। और मतलब भाई ये लोग ने बिल्कुल मतलब काफी ओरिजिनल सेंसर डाले, पैसा वगैरह ऐसा बचाया नहीं है। आप देख सकते हैं कि हवा में रीडिंग नहीं दे रहा है। वहीं पे अगर मैं टेबल की बात करूं, मैं बोलता हूं मेरे वॉच को चलो यार हमारे टेबल की रीडिंग बता दो, तो ये टेबल की भी रीडिंग नहीं बताती है, ये बिल्कुल आपके हाथ की ही रीडिंग देने वाली है। तो भाई हार्ट रेट के साथ साथ अगर हम बात करें SpO2 की, तो आप देख सकते हो SpO2 में भी आपको ये हवा में या फिर कोई भी टेबल वगैरह पे कहीं पे भी रीडिंग नहीं थी, जब तक आप इसे हाथ में नहीं पहनोगे ये रीडिंग नहीं देने वाली। भाई ये बात मुझे काफी ज्यादा पसंद है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रीडिंग नहीं दे रही। और मैंने इसे कंपेयर किया पल्स ऑक्सीमीटर से, तो इसकी रीडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर थी, बस हल्का फुल्का 1-8% का डिफरेंस था, जो ऑलमोस्ट हर वॉच में आपको देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं स्लीप ट्रैकिंग की, तो इसने मेरी स्लीप ट्रैकिंग बहुत ज्यादा एक्यूरेट किया। मतलब सुबह में 7 बजे उठ गया और मैं बेड पे था, 7:05 के आसपास मैं जब उठा वही एग्जैक्टली टाइम ये बता रहा है कि मैं 7:05 पे उठा। भाई स्लीप ट्रैकिंग इसकी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई। तो भाई अब बात करते हैं इसके सबसे स्पेशल फीचर की, स्पोर्ट्स मोड की। इनका क्लेम है कि 110 स्पोर्ट्स मोड है, जब मैंने काउंट किया तो वो 110 प्लस जो इन्होंने क्लेम किया था वो 111 मिले। भाई एक ही तो प्लस में आया है, तो सीधा सीधा लिख देते 111 स्पोर्ट्स मोड है। उसके अलावा मैं बात करूं वॉच में, तो वॉच में आपको सिर्फ 12 या 15 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, बाकी का अगर आपको कुछ लगता है तो आपको ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे लगेगा ऐप, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप में आपको मिल जाता है मोर स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन। तो यहाँ से भाई आप जो भी आपको स्पोर्ट्स लग रहा है आप इसे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं सबसे लास्ट में जाके कोई स्पोर्ट मोड ऐड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल पुशअप, तो पुशअप को मैं मुझे यहाँ से सिंक करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पोर्ट मोड इसके अंदर ऐड होगा। ओवरऑल हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब 111 तो नहीं है भाई, वो गिनती के 15 है। यहाँ से आपको एक ऐड करना पड़ेगा, वो वाला स्पोर्ट मोड आपको यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप वर्कआउट में चले जाते हो तो वर्कआउट में अगर हम सबसे लास्ट में जाए तो यहाँ पे आपको पुशअप देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहूंगा आपको, और जैसे कि ये लोग ने क्लेम किया है कि इसके अंदर 110 है, तो भाई काम के इसके अंदर जो है ना सिर्फ 12 कुछ है, बाकी ये पूरी फ्री ट्रेनिंग है, बस लोगों ने नाम डाल के रखा है, वो बात मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। तो भाई 111 जो स्पोर्ट्स मोड है ना उसके अंदर कॉमन क्या है पता है? एक तो ड्यूरेशन और उसके अलावा कैलोरीज, ये दोनों चीज कॉमन है। और कुछ जो 10 है कुछ स्पोर्ट्स मोड है उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा की चीज देखने को मिल जाती है, जैसे स्टेप डिस्टेंस ड्यूरेशन, ये सारी चीज आपको एक्स्ट्रा की मिल जाती है, बाकी सब में बिल्कुल कॉमन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर ओवरऑल 110 जो इन लोगों ने क्लेम किया है ना वो 100 प्लस जो है वो बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है, सिर्फ नाम अलग है। बात करें अगर इसकी बैटरी लाइफ की, तो ये लोग का क्लेम है आपको 10 दिन चल जाएंगे, लेकिन नहीं, असली सच मैं बताता हूँ ये आपको 6-7 दिन नॉर्मल यूज पे चलने वाली है। अगर आपका हैवी यूसेज है, स्पोर्ट्स मोड वगैरह यूज कर रहे हो, 24/8 वगैरह सब यूज कर रहे हो, आपको मुश्किल से 3-4 दिन चलने वाली है। ये लोग का क्लेम है 260 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है, जो कि ओवरऑल मैंने जब हैवी यूसेज किया तो ऑब्वियसली मुझे 3-4 दिन ये निकली। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो जैसे कि अगर हम बात करें IP रेटिंग की, तो आपको 5 ATM इसका IP रेटिंग देखने को मिल जाता है। मतलब भाई आप स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन देख संभल के कूदना, कभी अगर पानी अंदर घुस गया ना दिक्कत हो जाएगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट किया छोटा सा, आप उसे भी देख सकते हो। वही भी अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेनू के अंदर आपको खूब सारे एक्स्ट्रा फीचर देख, जैसे आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है अलार्म क्लॉक, वेदर, स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूजिक, कैमरा कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन कैमरा की बात यह है कि इसका खुद का कैमरा वही एक्सेस करता है, आपका कैमरा एक्सेस नहीं कर पाता है। ब्रीथ ट्रेनिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपने ऐप में अगर फीमेल टिक किया तो ये वर्क करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे सेटिंग में आप देख सकते हो वॉच फेजेस भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्क्रीन टाइमिंग भाई जो कि मैंने आपको बताया 20 सेकंड 30 सेकंड, वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। उसके अलावा मेनू स्टाइल की बात करें, तो यहाँ पे आपको मेनू जो है वो 9 ग्रिड सिस्टम में मिल जाता है, या फिर आपको लिस्ट स्टाइल में मिल जाता है, मुझे लिस्ट स्टाइल काफी ज्यादा पसंद है। उसके अलावा अगर हम बात करें वाइब्रेशन इंटेंसिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, सॉफ्ट मिल जाता है, ऑफ मिल जाता है। मुझे इसका जो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पसंद है, स्ट्रॉन्ग के ऊपर यूज करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और भाई अच्छी बात बताओ तो इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि भर भर के मिलती है, लैंग्वेज इधर है, यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हो।
तो भाई फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की कि क्या 2000 रुपए वर्थ है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो मैं बोलूंगा भाई 2000 रुपए के हिसाब से आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है एक्चुअली। मतलब ये जो लोग के मामले में काफी अच्छे बैटरी भी इसकी काफी अच्छी चल जाती है, स्पोर्ट्स मोड भर भर के डाले लोगों ने, मतलब पूरे तो आप यूज़ नहीं करोगे, कोई यूज़ भी नहीं करता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ लुक वगैरह के हर किसी के मामले तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। 2000 रुपये ऐसे ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट करना मेरे लिए या आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस होगा। और इसका कंपैरिजन किससे करना है बजट वॉच में, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप लेने के लिए सोच रहे 2000 रुपये में तो बिल्कुल हम आप इसका कंपैरिजन करेंगे और आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द लेके आएंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।